तो दिव्या से मिले, दिव्या आ चुकी है यहाँ पे, हेलो बोल दो। हेलो। दिव्या आ चुकी है और सौम्या मस्ती कर रही है। और प्लीज वो कपड़े जो है आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि दरवाजे के पीछे हर इंडियन हाउस में आप देख सकते हैं कि दरवाजे के पीछे इस तरीके से कपड़े रखते हैं अपने। मौसी के साथ मस्ती शुरू। कब है, कब की है जन्माष्टमी? तो राखी भी आने वाली है इस बार, राखी का पता नहीं क्या होगा। और बस अभी जो है शाम का हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं अभी, और 4 बजने वाले होंगे आई थिंक, 3:30 से तो ऊपर ही हो गए होंगे। बस चाय बनाने का टाइम हो गया। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली चाय पसंद तो है, इसमें कोई वो नहीं है, बट इतना ज़्यादा नहीं पीते, सुबह और शाम पीते हैं। वो जैसे मैं व्लॉग सुबह स्टार्ट करती हूँ तो फिर सुबह इसलिए मैं चाय बनाती हूँ, ये वो, इसलिए आपको लगता होगा चाय पीते हुए। और कभी शाम को तो फिर इसलिए हो सकता है ऐसा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हो। तो बस सौम्या अपनी मौसी के साथ खेल रही है, मेरी तो गर्दन ना इधर से इधर हिल नहीं रही बिल्कुल, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है आप बता नहीं सकते। तो बस अभी अभी शॉप से आई हूँ और अब मैं जो है शेक की तैयारी कर रही हूँ। तो शेक के लिए जो है ये वाले आम होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, सफ़ेदा आम, ये जो है मैंने ले लिए थे, 1 किलो ले लिए थे इकट्ठे ही, वरना बीच में हम क्या कर रहे थे आधा आधा किलो या ऐसे ले रहे थे। तो शेक के लिए जो बिल्कुल अच्छे से पके हुए आम होते हैं ना वो बेटर होते हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ इकट्ठे 1 किलो और फिर उसके बाद जो है वो पकते रहेगी। मतलब सौम्या नहा रही है और मैं यहाँ पे शेक बना रही हूँ, उसके पापा और सौम्या जो है नहा रहे हैं। तो मैंने जूड़ा बना लिया, इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, बहुत पसीने वाली गर्मी। और ये वाला आम बहुत अच्छे से पका हुआ है, इसका शेक बहुत अच्छा होगा, जो हम अच्छे से पका हुआ होता है ना उसका शेक बहुत ही अच्छा होता है। और आज मैं बनाऊंगी सब्जी में क्या बोलते हैं आलू प्याज की सब्जी बनाऊंगी सिंपल सी, और दाल मम्मी ने बना के रख दी है। बस मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले शॉप से आके शेक तैयार करती हूँ, उसके बाद जो है शेक पीने के बाद ही अपने काम करती हूँ। शेक पीने के बाद ना एकदम भूख मिट जाती है, अभी इतनी ज़्यादा भूख लगती है वहाँ से आते ही, शॉप से आते ही, कि मतलब हालत पूरी हो रही थी। तो मैं इंस्टेंटली पहले मुँह हाथ धो के सीधा यही बनाती हूँ। तो चलिए शेक तैयार है, आप लोग भी पी लीजिए कैमरे के थ्रू और हम लोग भी पीते हैं। देखो मेरा बहुत टेस्टी है। तो चलिए ये जो है तेल गरम हो चुका है, मैं आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ और आजकल मैं जो है अजवाइन डालती हूँ तड़के में, अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। आलू प्याज की सब्जी हो, अरबी की हो या सब है, या फिर भिंडी की हो, भिंडी की सब्जी हो, इन्हें मैं अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, हींग डालना मैं भूल गई थी, बातों में होता है ना याद नहीं आता, हींग डाल दिया। और बस उसके बाद मैंने लंबे लंबे कटे हुए प्याज इसमें डाल दिए, थोड़ा सा बच के डालना चाहिए क्योंकि मेरे तो हाथ बहुत जल जाता है, मतलब मैं चली से डालती हूँ, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलता है, काफ़ी बार जल चुका है मतलब इसे डालने में, बड़ा डर लगता है। और ये आलू मैंने कट कर रखे हैं, एक मिक्स
आलू जो है देख सकते हो, पहले हल्के हल्के प्याज फ्राई कर लूँगी, उसके बाद आलू और फिर सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। तो बहुत पसीना आ रहा है ना करने के लिए। तो बस प्याज जो है हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, मैं आलू भी डाल दूंगी और फिर आलू के साथ भी प्याज फ्राई होगा। और बस उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ये सब, और दो हरी मिर्च भी मैं अलग से कट करके इसमें डाल दूंगी ऊपर से। लास्ट में मेरा अमचूर ख़त्म हो रहा है, वरना मैं अमचूर भी इसमें डाल के कल मंगाऊंगी मुझे। तो बस अब इसमें मसाले डाल दूँगी। बैटरी भी जवाब देगी, आज मैंने चार्ज पे नहीं लगाई थी बैटरी। बस जो है सब्जी बन गई, दाल तो बनी हुई थी ऑलरेडी, बस अब आटा लगाती हूँ और तब तक मैं कैमरे की बैटरी को चार्ज पे लगा देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत इसमें बैटरी आ जाए और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए फिर बनाती हूँ मैं, मतलब बनाती क्या हूँ, अपना आटा वगैरह वो करती हूँ, तब तक तैयार करती हूँ और जब तक उसको चार्ज पे लगा देती हूँ। क्या निकाल रही है लड़की फ्रिज में से, क्या निकाल रही हो? कहाँ है, मैंने यहाँ रखा ही नहीं है, वो कहीं और है। फाइन फाइन वेयर आई केप्ट देम। अच्छा। ओ सॉरी, यस सब लोगों को पता चल गया। निकालो जल्दी, निकालो सारे मैंगोज बाहर, निकालो बाहर निकालो। रखो उधर उधर, इसके ऊपर मत रखना, उधर रखो साइड में, देखो ना टाइट की बंद नहीं किया ना। हाँ रखो, सारे निकाल दिए, सारे निकालो एक और। हाँ उसको किसने रखना है, ठीक है। क्यों खाओगे आप दो, सब एक एक खाएंगे, क्यों खाओगे? ये मैंगो बहुत तो सभी को पसंद है। तो डिनर हो गया और इट्स टाइम टू मैंगोज। तो मैंगोज वगैरह सारे जो है निकाल दिए सौम्या ने बाहर, बस अब हम मैंगो एंजॉय करने वाले। ये जो है अंदर टीवी देख रही थी उसमें टीवी का शोर आ रहा है, तो चलिए मैंगो एंजॉय करते हैं। ड्रेस में ए भगवान पागल है तू, देखो स्टाइलिश हो रही मम्मी आजकल। अब वो बोलेगी कि क्या बोलेगी, तो कुर्ता टाइप है, लेकिन वैसे कुर्ता टाइप है नीचे तक, क्या जितने तक कुर्ता होता है नॉर्मल तक। आ रहे पानी हम तो आ रहे हैं। तो मेरी लिपस्टिक जो है हल्की हल्की तो निकल गई है और हल्की हल्की रह गई है, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, मैं मम्मी को ऐसे ही छेड़ रही थी। मम्मी ने जो है ना वो थोड़ा खुला होता है ना टी शर्ट टाइप का लुक होता है, बट होता कुर्ते जैसा है, तो वो पहना था। तो मैं कह रही थी मम्मी स्टाइलिश लग रही है, वो दीदी को देख दे, मतलब उनकी जो बेटी है तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है तो वो भी देखती वीडियोज़, तो मैंने बोला दीदी देखेंगी, तो इसीलिए मैं उनको छिड़ा रही थी ऐसी। और बस सौम्या जो है मैंगो की फ़ैन है बिल्कुल, वो लगी हुई है मैंगो खाने पर, दो मैंगो खा गई अभी और चाहिए मैडम को, बट ज़्यादा अभी नहीं दे सकती, मतलब बहुत ज़्यादा होने से भी फिर वो फुंसियाँ भी। मेरे देखो इतने ज़्यादा मैंगोज़ खाती हूँ, फुंसियों पे फुंसियाँ निकलती रहती हैं, एक ठीक होता है दूसरा निकल जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा निकल जाता है। और आज पानी का दिन है तो मम्मी जो है पानी भरने पे थोड़ा सा बिजी, मतलब भरना क्या मतलब वो देखना पड़ता है कि पानी आ रहा है या फिर मोटर ने छोड़ दिया पानी, ये बार बार चेक करना पड़ता है।
और बस फिर आज का व्लॉग मैं थोड़ा छोटा ही मैंने बनाया, मतलब हो सकता है आपको पसंद आए। और क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना मैंने अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया, मॉर्निंग में मैंने क्या करा था, कल का व्लॉग का एंड करा था, फिर उसके बाद मैंने दिन से ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया और इसको आप कल देखोगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।